हेलो एवरीबॉडी, कैसी जता। आज हम लोग ये नया वीडियो लेके आए बैंक ऑफ बड़ौदा के ऊपर। ओके, इसने हम लोग को क्लियर कट टू कट ब्रेकआउट तो दे दिया, बट आज के दिन हम लोग को क्या देखने को मिला है, रेंज बॉन्ड रहा पूरे दिन। ओके, सो इसी रेंज बॉन्ड से रिलेटेड हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि कल के दिन हम लोग को क्या टारगेट्स लेवल देखने को मिल सकते हैं इसमें। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले इसके स्टॉक के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। अगर आप लोग देखें लास्ट ट्रेडिंग प्राइस, जो अभी मैं लाइव मार्केट बना रहा हूँ, तो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस 177 का चल रहा है और आज के दिन हम लोग को इसमें गिरावट देखने को मिली है। कितने परसेंट की गिरावट है, 0.48% की गिरावट है, और पॉइंट्स में देखें 0.85 की इसमें नेगेटिव मूव इसमें दिखाया है। ओके, अब आगे आने वाले टाइम में क्या लेवल्स और टारगेट्स हो सकते हैं वो डिस्कशन करते हैं इसमें, ठीक। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो अच्छा लगे एंड तक देखिएगा हमारी वीडियो, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल नहीं करा होगा सब्सक्राइब करके जाइएगा ताकि आप लोग को हमारे डेली ऐसे अपटूडेट वीडियोस मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए हम लोग अगर देखें बैंक ऑफ बड़ौदा के सिम्टम्स को, मार्केट के साइकोलॉजी को समझिए। देखिए मार्केट क्या बनाता हुआ आ रहा है, एक हायर हाइज बनाता जा रहा है, फिर कंसोलिडेशन मोड में चला जाता है, फिर ब्रेकआउट देता है, फिर कंसोलिडेशन मोड में चला जाता है, फिर ब्रेकआउट देता है, फिर अभी देखिए कंसोलिडेशन मोड में चला गया है। सो मार्केट क्या कर रहा है, ब्रेकआउट, अपसाइड मूवमेंट, फिर कंसोलिडेट, फिर अपसाइड मूवमेंट, फिर कंसोलिडेट, फिर अपसाइड मूवमेंट, फिर कंसोलिडेट। ओके, मार्केट बार बार यही सिनेरियो को रिपीट कर रहा है। सो अभी हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, कंसोलिडेशन मोड देखने को मिल रहा है। ओके, सो क्या चांसेस है कि हम लोग को वापस से ब्रेकआउट देगा, क्या चांसेस है वापस से ब्रेकआउट नहीं दे पाएगा। ओके, देखिए एक तरह से क्या बना रहा है, ये हायर हाइज हायर लोस वाला फॉर्मेशन को फॉलो अप करते हुए जा रहा है, ठीक। उसी को फॉलो करते हुए अपसाइड मूवमेंट बड़ी तेजी हम लोग को देखने को मिल रही है इसमें लगातार। ओके, जितने बार ये कंसोलिडेशन करता है उतने बार हम लोग के लिए एक अच्छी न्यूज़ होती है, बिकॉज कंसोलिडेशन बार इसी ब्रेकआउट जरूर देता है। बट इस बार क्या ये ब्रेकआउट दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, पूरी आप लोग बताते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेकआउट का कंफर्मेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, अपना रेजिस्टेंस एरिया मार्क कर लेंगे। हम लोग का जो रेजिस्टेंस एरिया बनता हुआ आ रहा है 178 के पास का बनता हुआ आ रहा है। जब तक ये 178 को अपसाइड ब्रेकआउट करके अपसाइड सस्टेन नहीं करना स्टार्ट करेगा, तब तक हम लोग को क्लियर कट टू कट ये ब्रेकआउट नहीं कराया जाएगा। अपसाइड सस्टेन करने लगेगा उसके बाद हम लोग को क्लियर कट टू कट ये ब्रेकआउट करेगा और हम लोग को वापस एक अपसाइड रैली देखने को मिलेगी। सो अपसाइड रैली कहाँ तक देखने को मिल सकती है, 188 तक की रैली आराम से हम लोग को देखने को मिलेगी। 168 फर्स्ट टारगेट होगा, 188 सेकंड है। बट अगर ये ब्रेकआउट नहीं दे पाता है तो हम लोग को कैसे डाउनसाइड की ट्रेड में कब एंट्री लेंगे हम लोग। ओके, डाउनसाइड की ट्रेड में अगर आप लोग कुछ बाइंग सोच भी रहे हैं, शॉर्ट करने सोच रहे हैं, तो अभी शॉर्ट सोचने के अभी मत सोचिए, बिकॉज में लॉन्ग बिल्डअप का फॉर्मेशन चल रहा है। मार्केट क्या कर रही है, अपने बार बार लोअर हाइस को उसको शिफ्ट करती जा रही है, लोअर लोस को शिफ्ट करती जा रही है, लोअर हाइस फॉर्मेशन ही नहीं कर रही। सो अगर इसको लोअर हाइस फॉर्मेशन करना है तो 176 के डाउनसाइड में ट्रेड करना पड़ेगा, और 176 के डाउनसाइड ट्रेड करने बाद अगला जो लो है उसको 175 के आसपास करीब बनाना पड़ेगा। जब तक ये ऐसा फॉर्मेशन नहीं बनाता है तब तक हम ये डाउन ट्रेंड में वापस नहीं आने वाला है। So, अभी फिलहाल तो इसमें बाइंग इनिशिएट हो रही है, बाइंग लगातार चलती रहेगी। 178 के बाद हम लोग फ्रेश बाइंग करेंगे, वो भी बहुत हाई बुलिश प्रोबेबिलिटी के साथ। ओके, सो ये थे हम लोग के कुछ लेवल्स और टारगेट्स जो आने वाले टाइम पीरियड में हम लोग को रख सकते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में। ओके, सो उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को नहीं करा सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे डेली अप टू डेट वीडियोज आप तक पहुंचते रहें। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल।